हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सिने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2019 में आई वॉल्ट को। और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज की एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है चलो फिल्म सिने एनिमेटेड एक्सप्लेन। तो प्लीज़ एक बार मेरे उस चैनल को विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सिने। तो कहानी शुरू होती है चकी और ड्यूस से, जो कि बहुत अच्छे 15 साल पुराने दोस्त होते हैं। यहाँ पर वो लोग एक कार में बैठे होते हैं और अब यहाँ से वो चोरी करने जाने वाले थे। यहाँ पर ड्यूस मास्क नहीं लगा रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं था और इस बात को लेकर के उससे चकी का झगड़ा चल रहा था। यहाँ पर ड्यूस बोलता है कि जब हम किसी के सामने गन रखेंगे तो उसके अंदर इतनी भी होश नहीं होगा कि वो हमारा चेहरा देख सके। और अब यहाँ पर चकी को भी ये पॉइंट सही लगता है तो ये दोनों ही मास्क हटा के चले जाते हैं। यहाँ से ये एक शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो सारे पैसे चोरी कर लेते हैं। और अब यहाँ पर उन्होंने 3 लोगों को गन पॉइंट पे लिया हुआ था, जिसमें से एक लड़की भी होती है। वो लड़की का भी पर्स लेने जा रहे थे तो लड़की बोलती है कि इसमें काफ़ी कम पैसे हैं जितने में वो बस अपने घर जा सकती है। पर इसके बाद भी ड्यूस उससे उसका पर्स लेकर के निकल जाता है। और अब जब शाम को वो लड़की काम करके घर वापस जा रही थी कि तभी वहाँ पर ड्यूस अपनी कार से आता है और उसे लिफ्ट देता है। यहाँ से वो उसे लेकर के अपनी फैमिली के पास जाता है और हर किसी से उसका इंट्रो करवाता है। और अब यहाँ से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यहाँ पर जाते वक्त वो उसे उसी का पर्स वापस करता है जिसमें अब उसने काफ़ी सारे पैसे रख दिए थे। और अब सीन शिफ्ट होता है एक बैंक की तरफ जहाँ पर वो एक बैंक चोरी करने के लिए गए होते हैं। यहाँ पर ड्यूस और चकी तो बैंक के अंदर होते हैं और उनका फ्रेंड टॉमी बैंक के बाहर कार में उनका वेट कर रहा था। पर यहाँ पर टॉमी पुलिस को देख करके भाग जाता है। और अब जब ये दोनों चोरी करके वापस से कार में आते हैं तो देखते हैं कि टॉमी वहाँ पर नहीं है। और इससे पहले कि ये लोग अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से भागे, इन्हें हर तरफ से कॉप ने घेर लिया होता है और अब ये दोनों ही पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को जेल में देखते हैं जहाँ पर ये अपनी सज़ा काट रहे थे। यहाँ पर इन्हीं के सामने एक बहुत बड़ा गैंगस्टर माफिया बैठा होता है जिसका नाम होता है रेमंड। यहाँ बाकी सब ने तो कैदियों के कपड़े पहने हुए थे, पर रेमंड और उसके साथियों ने सिविल ड्रेस पहनी थी क्योंकि यहाँ पर सभी उससे इतना ज़्यादा डरते हैं कि पुलिस की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसे कैदियों जैसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करे। और यहाँ पर वो मस्त शान से ज़िंदगी जी रहा था। यहाँ पर रेमंड का एक राइट हैंड होता है जिसका नाम होता है ग्यारी। अब नेक्स्ट सीन में चकी की फाइट वहीं के कैदी से हो जाती है जिसकी वो बहुत पिटाई करता है और वो फाइनली उससे वो फाइट जीत भी जाता है। पर इसके बाद यहाँ पर ग्यारी की उन दोनों पर नज़र पड़ जाती है और वो रात में उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर ग्यारी का कमरा कैदियों वाले कमरे से काफ़ी ज़्यादा अलग था और उसका रूम काफ़ी ज़्यादा लैविश था। उसके रूम को देख करके लग ही नहीं रहा था कि वो जेल में है। यहाँ वो उन दोनों से बात करता है और कहता है कि वो उनके साथ काम करना चाहता है। ड्यूस तो इसके लिए मना करता है क्योंकि ग्यारी उसके लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है। पर यहाँ पर चकी तुरंत हाँ बोल देता है। और इसके कुछ वक्त बाद ये दोनों ही लोग जेल से छूट जाते हैं और बाहर आते ही ग्यारी ने इनका पहला काम दे देता है। यहाँ पर चकी ड्यूस को लेकर के एक शॉप के सामने जाता है। बाहर से शॉप दिखने में कोट वगैरह की लग रही थी, पर अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्ट था जो कि अंडरग्राउंड था। यहाँ पर इस वॉल्ट में वो सभी लोग अपने पैसे ला करके रखते थे जिनके पास ब्लैक मनी होता है और वो ये बात गवर्नमेंट से छिपाते हैं। पर इस शॉप के सिर पर रेमंड का हाथ था, इसीलिए कोई भी इसके अंदर घुसने का ट्राई नहीं करता था। और यही बात जानकर ड्यूस उसे मना करता है क्योंकि अगर वो यहाँ पर चोरी करते हैं तो वो सीधे सीधे रेमंड से पंगा लेंगे। पर चकी उसे बोलता है कि ग्यारी इस काम के लिए उन दोनों को 70,000 पर पर्सन देगा और ये पैसे उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। तो ड्यूस का भी मन पिघल जाता है और वो भी मान जाता है। पर ड्यूस उसे बोलता है कि ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं तो हमें एक टीम की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर चकी उसे अपनी टीम के पास लेकर के जाता है। यहाँ पर उसने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो कि ग्यारी के थ्रू उसके पास आए थे और ये सभी लोग खुद को बडी बोलते थे क्योंकि कोई भी यहाँ पर अपना रियल नेम बताना नहीं चाहता था। अब ये सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर काम करने लगते हैं और इस चोरी की पूरी प्लानिंग चकी और ड्यूस साथ में मिलकर के करते हैं।
अब ड्यूस अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलता है तो वो उसे बताता है कि पूरी टीम तो सही है पर उसमें एक बंदा है जिसके ऊपर उसे थोड़ा कम भरोसा है। तो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अगर उसे कम भरोसा है तो फिर वो उसे कार संभालने का काम दे सकता है ताकि वो चोरी से दूर रहे, और उसे भी ये बात सही लगती है। और इसी के साथ वो सभी का काम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक आदमी ड्राइवर का काम करता है जिसके ऊपर उसे कम भरोसा था, दूसरा आदमी बाहर खड़े होकर के हर किसी पे नज़र रखेगा ताकि उनकी चोरी के दौरान कोई भी आदमी उस शॉप के अंदर नहीं आए और बाकी सभी लोग शॉप के अंदर रहेंगे। अब इनकी प्लानिंग करते करते चोरी का दिन आ जाता है जहाँ पर ये लोग एक ट्रक से उसी शॉप के सामने जाते हैं, और अब यहाँ से ड्यूस एक बहुत अच्छा सा सूट पहन कर उसी शॉप के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो एक आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे पूछता है कि अंदर वाले बाकी हॉल्स में कितने लोग हैं। तो उसे पता चलता है कि उस दिन सिर्फ 4-5 ही लोग होते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर चकी भी आ जाता है जो कि सभी लोगों को बाहर ला करके इकट्ठा करता है, उनके हाथ बांधता है और उनके सिर के ऊपर पिलो कवर डाल देता है ताकि वो कुछ भी देख ना पाए। इसके बाद उस शॉप के बाहर एक आदमी जा करके खड़ा हो जाता है जिसका रोल होता है सभी लोगों को अंदर आने से रोकना, और बाकी के बचे हुए लोग वर्कर की ड्रेस पहनकर अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग वॉल्ट के पास जाते हैं और उसे खोलकर अंदर के लॉकर से चोरी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पैसे और सोने भरे पड़े थे जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है। ये पैसे उनकी सोच से काफ़ी ज़्यादा थे। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाहर कोई आदमी आता है जो कि यहीं पर अपना ब्लैक मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आया था, पर अब यहाँ पर सामने उसे वही आदमी रोक देता है जिसे बाहर सबको रोकने का काम मिला था, और उसे ऐसा लगता है कि सच में अंदर कोई हाई प्रोफाइल आदमी आया होगा इसीलिए उसे अंदर आने नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ पर इनकी सारी चोरी कंप्लीट हो जाती है और ये सारे पैसे बैग में भर के ट्रक में डाल देते हैं, और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं वैसे ही अलार्म बज जाता है और तुरंत वहाँ पर पुलिस आ जाती है, पर तब तक वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। और आज इन लोगों ने लगभग 38 मिलियन डॉलर्स की चोरी कर ली थी। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग अलग अलग अपनी अपनी तरह से पार्टी कर रहे थे और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तभी उन्हें एक सैड न्यूज़ मिलती है कि कोई धीरे धीरे करके उनके सभी टीम मेंबर को मार रहा है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी थी। सबको ये बात पता थी कि क्योंकि उस शॉप पे रेमंड का हाथ था तो अब इन सभी लोगों की किलिंग भी रेमंड ही करवा रहा है क्योंकि उसे अपने पैसे वापस चाहिए। पर यहाँ पर चकी ने वो सारे पैसे गैरी को दे दिए थे और अब वो वेट कर रहा था कि कब उसे उसके $70,000 मिलेंगे, पर अभी तक उसे या फिर किसी भी टीम मेंबर को पैसे नहीं मिले थे और उन्हें पैसे की जगह मौत दी जा रही थी। ड्यू से सबसे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो खुद को एक होटल में बंद कर लेता है। यहाँ पर वो चकी से हेल्प मांगने की कोशिश भी करता है पर चकी उसे बहाना दे करके टाल देता है। अब एक हफ्ते बाद यहाँ पर चकी उससे मिलने आता है तो तब ड्यू समझ जाता है कि चकी यहाँ पर उसे मारने आया है। अब चकी यहाँ पर उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो ड्यूस उसे बताता है कि इसी बीच उसका उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया क्योंकि उन दोनों का ड्यूस की वजह से झगड़ा हो गया था, क्योंकि ड्यूस काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो होटल से बाहर कहीं भी नहीं जा रहा था, और अब उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ करके चली गई है। यहाँ पर ड्यूस चकी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे मारने आया था, तो चकी उसे बोल देता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता पर हाँ उसे उसे मारने के लिए ही भेजा गया था। ये सुन करके ड्यूस को बुरा लगता है और वो रोने लगता है। वो कहता है कि वो खुद भी जिंदा रहना चाहता है पर वो साथ ही में चकी को मार भी नहीं सकता है, और इसके बाद ये दोनों ही दोस्त रोने लगते हैं और वापस से साथ में आ जाते हैं। यहाँ पर चकी बोलता है कि एक बार फिर से गैरी से बात करके देखेगा, और अब वो अपने घर जा करके दोबारा से गैरी को कॉल करता है। पर अब यहाँ पर गैरी से उसकी क्या बात हुई ये हमें पूरी पूरी नहीं बताई जाती है क्योंकि ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर ड्यूस की गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, तो वहाँ पर वो उससे बात करने के लिए जाता है। वो उसे कुछ पैसे देता है और एक फ़्लाइट का टिकट देता है। वो कहता है कि वो हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ करके अपने घर वापस चली जाए कि तभी ड्यूस की गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि वो उसे बचाना चाहती है क्योंकि सभी लोग एक एक करके मर रहे हैं और जो पैसे उसने चुराए हैं वो पैसे अच्छे नहीं हैं। वो सारे पैसे ब्लैक मनी थे, मतलब कि उन पैसों को ज़रूर किसी को मार करके या फिर बुरे काम करके कमाया गया था, पर ऐसा पैसा अच्छा नहीं होता है। इसीलिए वो सारे पैसे और वो सारी ज्वेलरी जो कि ड्यूस ने अपनी गर्लफ्रेंड को दी थी उसने वो सब कुछ बेच दिया है, और अब वो सब कुछ ख़त्म करना चाहती है।
ड्यूस उसके बात समझ नहीं पाता कि तभी उसके पीछे वहाँ पर पुलिस आ जाती है। असल में यहाँ पर कॉप्स को ड्यूस की गर्लफ्रेंड ने बुलाया था ताकि वो ड्यूस को पकड़वा सके, क्योंकि जैसे एक एक करके सभी लोग मर रहे हैं, पर अगर ड्यूस पुलिस के साथ में रहता है तो वो जिंदा बचा रहेगा, क्योंकि पुलिस उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल देगी अगर वो उन्हें सारी स्टोरी सही सही बता देता है तो। और अब हम नेक्स्ट सीन में उसे पुलिस के साथ में देखते हैं, जहाँ पर पुलिस उसे बताती है कि चकी को मार दिया गया है। चकी को बोला गया था कि वो तुम्हें मार दे और उसकी गन में 2 बुलेट थी। असल में वो तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों को ही मारने के लिए आया था, पर अब क्योंकि उसने अपने बॉस की बात नहीं मानी इसीलिए चकी को ही मार दिया गया और उसकी लाश भी उन्हें मिल चुकी है। ये सुनने के बाद ड्यूस को बहुत बुरा लगता है और अब वो कहता है कि क्योंकि अब चकी नहीं है तो कुछ भी मैटर नहीं करता है। और इसके बाद वो शुरुआत से सारी कहानी बता देता है। असल में हमें स्टार्टिंग से पूरी मूवी इसी तरह से दिखाई गई है कि ड्यूस स्टोरी सुना रहा है और पुलिस उसका सारा कन्फेशन एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है और वो विटनेस प्रोग्राम के लिए हाँ भी बोल देता है, और ऐसा करने पर उसकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। पर अब जब वो सारा सच बता देता है कि तभी उसके सामने वो ग्लास के पीछे चकी को देखता है। असल में पुलिस ने चकी को भी पकड़ लिया था और उन्होंने जानबूझकर ड्यूस को ये बोला कि चकी मर गया है ताकि ड्यूस आसानी से सब कुछ कन्फेस कर दे। अब चकी को देख करके ड्यूस को गुस्सा आता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब यहाँ पर रिटन में लिख करके आता है कि चकी को जेल भेज दिया गया था, साथ ही में ड्यूस को भी जेल भेजा गया था, पर उसकी सज़ा कम होती है। पर यहाँ पर वो बाहर निकलने के बाद दोबारा से चोरियाँ करना शुरू कर देता है। और अब हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में चकी की गैरी से क्या बात हुई थी। यहाँ पर चकी ने जब गैरी को कॉल किया था तब गैरी उसे बोलता है कि वो उसे अभी तक पैसे इसलिए नहीं दे पाया है क्योंकि अभी तक उसे खुद को भी पैसे नहीं मिले हैं। तो चकी उसे बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सारी चोरी गैरी ही करवा रहा है और ये काम उसी ने चकी को दिया है। पर अब यहाँ पर गैरी उसे बोलता है कि उसके ऊपर भी कोई और है और उसे ऊपर से ऑर्डर आया था कि वो चकी को एक काम दे, और ऐसा बोल करके वो कॉल कट कर देता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रेमंड और गैरी को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर रेमंड गैरी को बोलता है कि उसे उस वॉल्ट में रखे हुए सारे पैसे चाहिए। तो मतलब कि शुरुआत से ये सारा रेमंड का ही प्लान होता है कि वो ऐसी जगह पे चोरी करवाएगा जहाँ पर उसी का हाथ होगा, तो किसी को कभी शक भी नहीं होगा कि ये सारे पैसे खुद रेमंड ने ही चोरी करवाए। और इस वक्त वो सारे पैसे रेमंड के पास में हैं और रेमंड ने अपने ही लोगों को धोखा दिया होता है। और अब वो इसके बाद आसानी से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसका पावर और पैसा दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हमें कहीं ना कहीं एक रियलिटी भी बताती है कि पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि अक्सर लोग क्राइम करके आते हैं लेकिन पैसे और पावर के बलबूते वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और बाद में हमारे ही ऊपर रूल करते हैं। और ये स्टोरी ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, और ये वॉल्ट हाइस्ट उस वक्त की सबसे बड़ी हाइस्ट में से एक थी। और उस वक्त जो पैसे 38 मिलियन डॉलर्स चुराए गए थे, आज के टाइम पर वो 100 मिलियन डॉलर्स हैं। और इसी के साथ मेरा एक्सप्लेन यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।